आज का अपना टॉपिक है बच्चा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एंग्लो मोमेंटम समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कर लिया था, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में देखो, इसकी डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की डेरिवेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिलेबस में है। कहानी क्या है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की? देखो, अपने पास क्या बोला जाता है कि अगर मान लेते हैं, चलो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं तो दोनों डायगोनल को क्रॉस करके एक सर्टेन पॉइंट होगा जहां पे सेंटर ऑफ मास निकलेगा। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोला क्या जाता है, समझना जरा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। पहली बात तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब पता है सबको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करेगा जो मास लीनियर मोशन में करता था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम रोटेशनल मोशन में करता है। दूसरी चीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, एम आर स्क्वायर, पता है सबको। मास टोटल जो पूरे ऑब्जेक्ट का पूरा मास है एम, एंड आर जहां पर वो मास कंसेंट्रेटेड है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ये बात समझ रहे हो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो ध्यान से देखना। अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये क्या है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लेट अस अज्यूम यहां पर उस ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसेंट्रेटेड है, तो इससे ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है आर, ठीक है, और टोटल मास कितना है एम। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आता है बच्चे, एम आर स्क्वायर। ये क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी, अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखना बच्चा, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनदर एक्सिस के एल। क्या बोला गया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनदर एक्सिस के एल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ए बी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes। क्या समझ में आया, देखो जरा क्या बोला गया बेटा। ये जो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है, इसका नाम रख लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मान लो ये हमने रखा ए बी। अब मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ए बी, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पे। तो यहां से अब सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस ये गया के एल, सॉर्टेड है। इन दो पैरेलल जो एक्सिस हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एच। ये बात समझ में आ रही है, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही समझो। अगर यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है और मैं इसके अलोंग इसको रोटेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास जहां पर है उसके अक्रॉस मैंने क्या किया, यहां पे एक्सिस बनाया और उसके अगेंस्ट रोटेट करूंगा, उसके साथ रोटेट करूंगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और यहां से अब मैंने एक्सिस बनाया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे सेंटर ऑफ मास था वहां से जो लाइन जा रही है वो क्या है के एल। मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के थ्रू जो कि एच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ए बी से। ये बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हम निकाल क्या रहे हैं। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चे, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड बॉडी है और उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कंसेंट्रेटेड है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का या तो कोई नाम रख लो या सिंपल एम जहां मैंने लिखा है, यहां पर एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस मैंने ये क्या भेजा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें पता है अगर सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा तो बॉडी बैलेंस बहुत रहेगी, है ना, हम घुमाते हुए यही करते हैं। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो मैं हमेशा क्या कोशिश करता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास पे उंगली टिक जाए और फिर ये गोल घूम जाएगा, ऐसे ही घूम रहा होता है ना। अब ये सेंटर ऑफ मास से अगर इधर उधर हो जाएगी उंगली तो मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे इस जगह पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करूं, जो सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस एक्सिस जा रहा था के एल और मुझे किसके अक्रॉस निकालना है ए बी, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एच। ये बात क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस के एल प्लस एम एच स्क्वेयर।
क्लियर है, ये बात समझ में आई है? क्या है ये? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच फ्रॉम दैट एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन. समझ में आई है? तो इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया है, सिंपल ध्यान से समझो तो देखो वही बस लिख दिया है. अब वापस से डेफिनेशन पढ़ रहा हूं तो ध्यान से समझना, इसमें क्या कहानी बोली गई है. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस के एल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास सी ऑफ अ बॉडी इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू ए बी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर है ये? समझ में आया बच्चे? तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन गया? आई ए बी इज इक्वल टू आई के एल प्लस एम एच स्क्वायर. किसी को दिक्कत इसमें? हाँ जी बच्चा, ये बात क्लियर है? आई ए बी इज इक्वल टू आई के एल प्लस एम एच स्क्वायर. डन. इसमें बस ये ध्यान रखना है कि दोनों एक्सेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल. डन. किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है? चलो, अब आई के एल प्लस एम एच स्क्वायर हमारे पास ये क्या थी? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. सिर्फ डेफिनेशन और डायरेक्ट फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं है इसके. फिर है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है? अपने पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके यह एक एक्सिस हो सकता है जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, कोई कहीं पे भी. अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना. ये क्या है बच्चा? एक प्लेन लेमिना, ये है ना, पूरा एक प्लेन है. टू डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज एनी एक्सिस ओजेड अबाउट एनी एक्सिस ओजेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये प्लेन लेमिना है, इसके अगर एक परपेंडिकुलर बना दूं मैं तो ये ओजेड एक्सिस आएगा. ये कौन सा एक्सिस है? जो इसके परपेंडिकुलर है बॉडी के. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी बॉडी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट द टू एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. समझ में आई? अगर मेरे को आई जेड निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड एक्सिस निकालना है, देन इट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्स एक्सिस प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस वाई एक्सिस. समझ में आइए? एक्स और वाई कहां है? इस प्लेन के पैरेलल. जेड कहां है? इसके परपेंडिकुलर. ध्यान रहेगा, तो आई जेड हमेशा किसके इक्वल होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस आई जेड एंड आई एक्स एंड आई वाई. क्लियर है? अब देखो जरा क्या है. The moment of inertia of the plane lamina, that is a two-dimensional body of any shape or size about any axis OZ perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular OX and OY in the plane of lamina meeting at a point where the given axis OZ passes through the lamina. ये हमारे पास एक object है three-dimensional में. Actual में क्या है? एक plane है simple. तो ये देखो, ये एक OX और OY, ये इस प्लेन के क्या है? पैरेलल. समझ पा रहे हो? जैसे ये है OX और OY, ये कैसे इसके पैरेलल है दोनों, और ये जो OZ है ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर. तो जो परपेंडिकुलर वाला होगा इट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ IX प्लस IY. डन है बच्चा? समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या होता है? IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY. दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. किसी बच्चे को दिक्कत? डन है. अब इसी के बेसिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग हमें डिराइव करना है, ठीक है. देखो जरा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, हमने अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ लिया. देखो ये अपने पास क्या है? रिंग, सबको पता है. अब इस रिंग में मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात मैं कहां से निकाल रहा हूं? इसके सेंटर के अक्रॉस. मैं कहां से निकाल रहा हूं? अगर इसके सेंटर के अक्रॉस जाएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, इसके अक्रॉस ऐसे रोटेट करिए तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा? इसका डायग्राम बनाते हैं, साथ के साथ डिराइव करेंगे बच्चा, ये एग्जाम में आ सकती है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, ये हमारे पास एक रिंग है और मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अक्रॉस निकालना है. इसका मैंने जो नाम रखा हुआ सेम रख लेता हूं मैं,
y o y डैश, ठीक है, इस एक्सिस के क्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसका रेडियस कितना है बेटा, r, और मान लेते हैं कि जहां पर ये रेडियस मैंने बनाया कहीं एक छोटा सा एलिमेंट बना लेते हैं dx, कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट बना लेते हैं dx जो स्मॉल लेंथ है इसकी, क्लियर है। लेट अस अज्यूम टोटल मास कितना है m, इसका पूरी रिंग का टोटल मास है कैपिटल m, इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर, बिल्कुल ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें है ना, सर्कमफ्रेंस के बराबर इसकी टोटल लेंथ आ गई। अब मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ये क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और dx लेंथ का कितना मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ को अगर मैं dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका स्मॉल मास dm आ जाएगा कि नहीं, किसी को इसमें परेशानी, dm क्या है, dm इज द स्मॉल मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। मैंने क्या किया, मास पर यूनिट लेंथ जो था उसको गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस छोटे एलिमेंट का मास आ गया कि नहीं, समझ में आया ये पक्का, किसी को इसमें परेशानी, पक्का ना बच्चे, वृंदा पता चला, तो ये हमारे पास स्मॉल मास आ गया। अब एक बात देखो बेटा, अगर मेरे पास ये स्मॉल मास की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या निकाल लेता हूं, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल मास का, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अक्रॉस वाई ओ वाई डैश किसके लिए, उस छोटे वाले के लिए, छोटे वाले एलिमेंट के लिए, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, एम आर स्क्वेयर था कि नहीं, एम आर स्क्वेयर, मास की वैल्यू क्या है, डीएम, जिसकी वैल्यू 2 पाई आर, एम बाय 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू रेडियस कितना है आर स्क्वेयर, ये निकल गया कि नहीं, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या मैं इसको स्मॉल डी से लिख लेता हूं, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, किसी को दिक्कत, मुझे तो टोटल रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकालना है कि नहीं, अगर मुझे पूरी रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा पूरी रिंग का क्या निकलेगा, एम कॉन्स्टेंट 2 पाई आर इंटू आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, रह गया कि नहीं, है ना। अब डीएक्स क्या है, डीएक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगी, जीरो से लेके 2 पाई आर तक जाएगी कि नहीं, क्यों, डीएक्स की वैल्यू छोटी से छोटी क्या हो सकती है, जीरो, और पूरी बढ़ के कितनी हो सकती है, पूरा सर्कमफ्रेंस, उसी के अक्रॉस इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसी को परेशानी है ना, जो dx है उसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 2 पाई r तक इंटीग्रेट हो सकती है, इस r से ये स्क्वायर काटनी है, रुको मत काटो अभी, ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा m बाय 2 पाई r, dx अकेला है तो 1 इंटू dx, एक तरह से 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x 0 से 2 पाई r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे यहां पे एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, अपर लिमिट क्या है बेटा 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो एम आर स्क्वेयर इज द फॉर्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन लेमिना, समझ में आई ये बात, ये क्या निकल गया हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का, जबकि जो एक्सेस है वो उसके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल सेंटर से जा रही थी, क्लियर है, किसी बच्चे को इस डेरिवेशन में परेशानी, किसी स्टेप में दिक्कत, हरमन, ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। देखो जब हम रिंग को घुमाते हैं हम ऐसे ही तो नहीं घुमा रहे, अगर हम कभी घुमाते हैं हम इस तरीके से भी तो घुमाते हैं, है ना, बल्कि हम तो इसी तरीके से घुमाएंगे, वो हवा में ऐसे तो घूमेगा भी नहीं, तो अगर मेरे को ऐसे घुमाना है तो इसमें एक्सेस कहां पे है, इसमें जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो इसका एक्सेस कहां है, इसके बिल्कुल बीचों बीच हुआ कि नहीं, बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे एक्सेस हुआ कि नहीं, तो मुझे अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है बेटा, मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेम वही सर्कुलर रिंग लेकिन उसके डायमीटर के अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकालना है, उसके डायमीटर के अक्रॉस, किसी को दिक्कत, मैं अगर इसी डायग्राम में, डायग्राम जो ऊपर बनाया था उसी में अगर डायमीटर रिप्रेजेंट करूं तो ये डायमीटर हुआ कि नहीं, और अब मेरे पास इस एक्सिस के अलोंग मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यही बात बनी, किसी को परेशानी, और अगर मान लो ये एक्स ओ एक्स डैश है
ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश है, तो एक जेड ओ जेड डैश भी निकलेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं, जेड डैश ओ जेड निकलेगा कि नहीं बच्चा? किसी को इसमें परेशानी है? जैसे यहां पे अगर मान लो ये मेरा क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, तो एक ऐसा ही वाई, वाई तो हमने लिखा हुआ ऑलरेडी जो सेंटर से जा रहा था, जेड ओ जेड डैश आया कि नहीं, और एक कहां जा रहा है जो बिल्कुल इसके बीचों बीच ऐसे, जो वाई ओ वाई डैश था, है ना, बना कि नहीं? अब मुझे अगर इन एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मुझे क्या करना है, जो इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके नहीं, जो बिल्कुल प्लेन के पैरेलल एक्सेस हैं, ये दोनों दोनों प्लेन के पैरेलल हैं कि नहीं, इनके अक्रॉस अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक याद करो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस कुछ इसी तरह की थी कि नहीं, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस वाई एक्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, यही था ना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसका इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्स एक्सेस प्लस वाई एक्सेस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सेस, ऐसे ही था ना, हमने इसी तरीके से बात करी थी। तो इस केस में हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि दोनों डायमीटर किसी के अक्रॉस निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही निकलेंगे, मस्ट बी इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस वाई एक्सिस, होना चाहिए कि नहीं? आई एक्स और आई जेड दोनों में डायमीटर है तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, तो आई एक्स और आई जेड का सम ट्वाइस ऑफ आई एक्स लिख लूं तो किसी को दिक्कत है, है ना, अक्रॉस एनी डायमीटर लिख लेंगे वो, इट इज इक्वल टू आई वाई, आई वाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, एम आर स्क्वेयर, है कि नहीं? तो मैं यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी डायमीटर इज गिवन बाय हाफ एम आर स्क्वेयर, किसी को परेशानी? ये किसके लिए निकल गया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी डायमीटर ऑफ द रिंग, डन। अब अगला टॉपिक इसी का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अक्रॉस एनी टेंजेंट, मैं क्या बना रहा हूं, टेंजेंट। अब देखना टेंजेंट में भी गेम अलग अलग है, क्योंकि टेंजेंट ये भी है और अगर मैं इसे घुमा देता हूं तो टेंजेंट ये भी है, तो दो तरह के टेंजेंट है। अब मैं पहला कोई एक केस ले लेता हूं, मान लो ये वाला टेंजेंट है, जब ये जो प्लेन लेमिना है ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है और टेंजेंट इसको टच करके ऐसे निकल रहा, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो टेंजेंट है, समझ में आइए, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट है। तो एक बात देखो बेटा, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट है, इसके अक्रॉस निकालना है कि नहीं मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नाम मैं आईटी रख लेता हूं, इसके अक्रॉस टेंजेंट के नाम का आईटी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये बीच वाला जो एक्सिस है और ये वाला एक्सिस है, दोनों पैरेलल है कि नहीं? दोनों पैरेलल है। जो सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा था और जो मैं एक इसका टेंजेंट बनाना चाहता हूं यहां साइड में, वो दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं, है ना, ये बात समझ रहे हो? ये वाले दोनों देखो, ये पैरेलल बन रहे हैं कि नहीं? तो अगर ये पैरेलल है तो मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दूं इस पे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस आई टी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस, यही था, प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस, और मास क्या है, m, तो ये एम आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस टेंजेंट क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? मैंने सीधा सीधा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दिया, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है ये टू एम आर स्क्वायर वाला। अब एक दूसरा केस कौन सा, जब मैंने कहा था कि टेंजेंट ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए। अब इस केस में देखो, अगर इस केस की बात करूं तो ये सेम जो डायमीटर के अक्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके पैरेलल बना कि नहीं, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो डायमीटर के अक्रॉस मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था क्या था, हाफ एम आर स्क्वेयर, इसी के पैरेलल ये टेंजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका नाम रख लेते हैं इसके अक्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी डैश, मान लो मैंने नाम रख लिया ऐसा, तो ये आई टी डैश की वैल्यू क्या लगेगी, फिर से वही कर लेते हैं,
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या था, इट इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा था जो अक्रॉस डायमीटर था क्या था, हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ये कितना था एम आर स्क्वेयर, दोनों प्लस हुए तो कितना बन गया 3/2 एम आर स्क्वेयर। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? इसी के साथ हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग सेंटर और जो भी दो तीन तरह के हमारे टेंजेंट बनने थे उन सारों के साथ डिस्कस हो गया, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है करनी है बच्चा। इसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अभी हमने क्या बात करी थी, रिंग के, रिंग समझ में आता है, डिस्क समझ में आता है। डिस्क क्या होता है बच्चा, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा, ये पूरा भरा हुआ है यहां से, है ना, प्लेट होती है जैसे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क। अब डिस्क और रिंग में डिफरेंस क्या है, जब हम रिंग की बात करें तो उसका मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब मैंने डिस्क की बात करी, जब मैंने रिंग की बात करी तो उसका मास कहां था, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था ना यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर मैं डिस्क की बात करूंगा तो इस डिस्क में जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हुआ कि नहीं, इसमें पूरे एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही हुआ। तो जब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जैसे हमने मास पर यूनिट लेंथ लिया था, हम मास पर यूनिट एरिया लेना शुरू करेंगे, है ना। जैसे मैंने यहां स्मॉल लेंथ अज्यूम करी थी, मैं एक स्मॉल एरिया अज्यूम करता हूं। देखो जरा, ये अपने पास डायग्राम है बच्चे डिस्क का, इसके बीच में मैंने dx थिकनेस वाली एक रिंग अज्यूम कर लिया, जिसकी थिकनेस कितनी है dx, और उसकी लेंथ, उसका रेडियस कितना है यहां से x। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है डायग्राम को समझने में? हाँ जी, ये डायग्राम समझ में आया। मैंने ds थिकनेस वाली, मैंने क्या किया यहां पे देखो, जो हमारे पास ये ds थिकनेस की डिस्क थी, इसको हमने अज्यूम किया यहां पे, ये देखो, ठीक है, डिस्क के बीच में एक छोटी सी रिंग अज्यूम करिए जिसके dx की ये थिकनेस है और x के डिस्टेंस पर है, क्लियर है। तो अब पहले क्या करते हैं, देखो मास पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, सरफेस एरिया कितना आएगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया क्या आएगा, m बाय पाई आर स्क्वायर। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्क व्हिच वुड बी सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ रेडियस x विद, और जिसकी विड्थ आएगी dx, ठीक है, ये बात समझ में आ गया बच्चा, किसी को दिक्कत? लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, 2 पाई x, सर्कमफेरेंस एग्जैक्टली। सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, अब एक स्ट्रिप है, अगर एक स्ट्रिप है तो स्ट्रिप का जो विड्थ है वो कितनी है बच्चा, dx, उसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई x, तो लेंथ को अगर मैं विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया निकलेगा कि नहीं, अगर मैं उस स्ट्रिप को खोल दूं तो रेक्टेंगल ही तो है, लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ, तो विड्थ हमारी बनी है dx, लेंथ बन गई है 2 पाई x। किसी को दिक्कत इसमें, समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, है ना। तो अपने पास जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट वो कितना आ गया, 2 पाई x dx, डन। अब मास ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, जो मास पर यूनिट एरिया था उसको एरिया ऑफ स्ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कटा, 2mx dx by r square। यहां तक किसी को दिक्कत? मास पर यूनिट एरिया को एरिया ऑफ स्ट्रिप या एरिया ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ एलिमेंट आ गया, क्लियर है। अब मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं एक सिंपल रिंग की तरह बात करूं, क्या था, एम आर स्क्वायर, यहां पे क्या है, m की वैल्यू एम एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस कितना है x, तो जो dm इंटू एक्स स्क्वायर निकला कि नहीं, ये मैंने उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, dm की वैल्यू क्या थी, 2mx dx by r square into x square, 2mx cube dx by r square बन गया कि नहीं है। हाँ जी, किसी को इस वाली बात में परेशानी है, ये क्या निकला है, स्मॉल स्ट्रिप के अक्रॉस, अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, मैंने इंटीग्रेट क्या किया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट y ओवर y डैश इज इक्वल टू i इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू r 2mx cube by r square dx, जब मैंने इंटीग्रेट किया 2m by r square बाहर आ गया, कांस्टेंट था, और x क्यूब की मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चा, पावर रूल लगेगा, x की पावर 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में हम क्या डालेंगे, 1/4 अगर मैं बाहर निकाल भी लूं तो यहां पर क्या डालेगा, x की जगह पे एक बार r और एक बार 0, तो r की पावर 4 जो है वो बाहर वाले r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गई,
सॉल्व हुआ 1/2 mr square. This is the moment of inertia across the axis passing through the center of the disk with and that axis is perpendicular to the plane of the disk. Value mechanically half mr square. Clear है? 1/2 total mass into radius का square. इसके बाद पहले तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे सिलेबस में इन सब की डेरिवेशन नहीं है. पहले सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की, इन सब की डेरिवेशंस होती थी. अब तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट आ जाता है तो तुम्हें आइडिया हो. इनकी डेरिवेशंस नहीं है सिलेबस में. फॉर्मूलाज भी रेयर यूज होंगे, लेकिन फॉर्मूलाज एटलीस्ट देख लेना, लर्न कर लेने बच्चे वाला. ठीक है, ज्यादातर के ध्यान से देखोगे तो एम आर स्क्वायर के साथ ही रिलेट करते हो, कुछ अलग नहीं है. ठीक है, अब अपने पास है बच्चा डायनामिक्स ऑफ रोटेशन मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. देखो इसमें हमारे पास क्या है डायनामिक्स ऑफ रोटेशन मोशन में. अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं एंगुलर फोर्स की बात करूंगा तो क्या आएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा. रेट ऑफ वर्क डन के लिए मैंने क्या किया, डीडब्ल्यू बाई डी टी, तो टॉर्क इनटू डी थीटा बाई डी टी. अब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, है ना, और डीडब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है, पावर. पावर क्या निकल गई है, टॉर्क इनटू ओमेगा. या और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा. इसमें किसी को दिक्कत है, टॉर्क आई अल्फा कैसे आया, मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, मास की जगह पे क्या आ गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन. डन है. तो पावर क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह पे टॉर्क, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी. फोर्स क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क होता है आई अल्फा. देन फिर आता है रोलिंग मोशन. देखो अब रोलिंग मोशन में क्या होता है बच्चे, रोलिंग मोशन में समझ में आती है चीजें कि रोल कर रही है बेसिकली. जब कोई चीज रोल कर रही है, पहले एक चीज समझना, अगर यहां पर मान लेते हैं इसी को एग्जांपल देखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं पर ऐसे घूम रहा है तो ये सिर्फ रोटेशनल मोशन में है, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग घूम रहा है कि नहीं, ऐसा ही है. और अगर ये टायर की तरह घूमते, टायर वाला केस बाद में करते हैं, पहले सुनो, अगर ये सीधा सीधा चला जाए तो ये सिर्फ लीनियर मोशन में, रोटेशन में नहीं. और अगर ये टायर की तरह घूमते घूमते आगे चला जाए तो क्या हो रहा है, ये रोटेशनल और लीनियर मोशन दोनों का कॉम्बो हुआ कि नहीं, ये बात समझ में आई है. अगर एक ही जगह खड़ा खड़ा वो स्पिन कर रहा है तो ये क्या हुआ बच्चा, रोटेशनल. अगर वो सिर्फ सीधा जा रहा है बिना घूमे, लीनियर. और अगर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में, जैसे हमारा टायर घूमता है गाड़ी का, तो वो क्या होता है हमारे पास, रोलिंग मोशन, जिसमें प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन का कॉम्बो होता है. ये बात समझ में आ गई, तो उसको हम कहते हैं कि वो रोल कर रहा है. Then, अब एक बात समझना, जब वो रोटेट कर रहा था, प्योर रोटेशन में था, प्योर रोटेशन के टाइम पे उसका जो सेंटर पॉइंट है यहां पे पाइवेटेड है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ वो घूम रहा है. अब देखो यहां पर उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां जा रही है, इस जगह पे आगे की तरफ, और इस जगह पे माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में. हर बार यही होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां है, यहां इधर को वो मूव कर रहा है, इधर को घूम के आगे उस तरफ हो गया, इधर प्लस VCM, इधर माइनस VCM, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का की वेलोसिटी है कि नहीं. ठीक है, और अगर वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है, प्योर ट्रांसलेशन में है, तो यहां पर भी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उस साइड में, यहां पे भी उस साइड में. बेसिकली क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर में कंसंट्रेटेड है तो उधर जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं पे भी जाके उसके डायरेक्शन नहीं बदले क्योंकि वो रोटेट ही नहीं कर रहा है. लेकिन जब रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो रोलिंग मोशन में क्या है, वो ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ऊपर कितना है वेलोसिटी, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नीचे क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास माइनस और प्लस होके जीरो. ये क्यों हुआ, क्योंकि जब वो आगे को रोटेट कर रहा है तो देखो ये वाला हिस्सा सिर्फ क्या कर रहा है, उस चेंज इन वेलोसिटी को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन रहेगा यहां पर, तो ये पीछे को जोर लगाएगा तभी वो आगे वाली चीज रोटेट करेगी. समझ में आई है ये. फिर आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. अब काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, देखो बच्चा जब रोलिंग मोशन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों का सम आएगा. ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज जो आनी है उनका सम कर देते हैं. तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. वेलोसिटी किसकी ले रही, सेंटर ऑफ मास की. पूरा ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, हमने कहा सेंटर ऑफ मास के हिसाब से उसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं. और रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एम आर, हाफ एम वी स्क्वायर. M को कौन रिप्लेस करेगा बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और V को कौन रिप्लेस करेगा, ओमेगा का स्क्वायर. है कि नहीं, सिंपल है, M V स्क्वायर. अब ये समझ पा रहे हो ना, ये कहां से बन रहा है,
कि मास का रेप्लिका कौन है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ एनर्जी, और वेलोसिटी का कौन है एंगुलर वेलोसिटी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, है ना। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, वी सी आर, वी सी एम बाय आर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय रेडियस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर, के क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इनटू, ये मैंने क्या कर दिया बच्चा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल दी एम के स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या डाल दी, वेलोसिटी अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसी फॉर्म में जो कॉमन आया हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमारे पास रह गया। सॉर्टेड है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी, तो सिंपल है डेरिवेशन, कोई अलग नहीं है, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। फिर हमारे पास बच्चे लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, मोशन ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या है ये, मोशन ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन और सिलेंडर रोलिंग विद स्लिपिंग डाउन अ रैंप। क्या बात करें, एक जिसमें सीधा वो रोल होके आएगा, स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा, और एक जिसमें वो स्लिप करेगा। पहला केस देखो, जिस टाइम पे बच्चे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सिलेंडर है, इसका मास कहां आएगा, नीचे की तरफ mg, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है, है ना। यहां थीटा था तो सेम थीटा यहां आएगा, ऑलरेडी हम पिछले दो तीन चैप्टर से ये डायग्राम बना रहे हैं। इसके कॉम्पोनेंट रिजोल्व करेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा आएगा, mg sin थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर करेगा, और ये जो mg cos थीटा है ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। ये किस तरीके से आ रहा है, अल्फा एक्सेलरेशन के साथ नीचे की साइड रोल करते हुए आ रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स हमने एफ मान लिया। किसी को दिक्कत डायग्राम में, बिल्कुल ठीक है। आर किसके इक्वल है नॉर्मल रिएक्शन, mg cos थीटा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो किसके इक्वल आएगी, mg sin थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ मास माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर, यही होता है, टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो आई अल्फा भी होता है, होता है ना, और अल्फा को मैं ए बाय आर लिख सकता हूं, लीनियर एक्सेलरेशन बाय आर, है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो वहां से मैंने निकाल लिया। तो एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर, तो एफ की वैल्यू आई ए बाय आर स्क्वायर निकल गई कि नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला था एफ क्रॉस आर, टॉर्क का ही फॉर्मूला था आई अल्फा, अल्फा को ए बाय आर की टर्म्स में डाला, तो ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दी, वहां से मैंने लीनियर फोर्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करा दिया। तो लीनियर फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय आर स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मजे की बात देखो, मैंने यहां पे ये फोर्स जो थी, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों ली हुई है टॉर्क के केस में, क्योंकि टॉर्क आएगा कहां से, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तभी कोई चीज वहां पर घूम पाएगी, है ना। तो हमें जो रोटेशन के लिए जो फोर्स काम करती है वो कौन सी होती है, हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो लीनियर फोर्स की बात नहीं कर रहे, अगर कोई सरफेस नहीं घूम पाता, हम कहते हैं स्किड कर रहे, फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसी करके ये जो कैपिटल एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, मैं अब ये जो हमारा mg sin थीटा माइनस f था, f कैपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, उसके अंदर mg sin थीटा माइनस कैपिटल फोर्स की जगह ia / r स्क्वायर डाल सकता हूं। क्लियर है ये बात, समझ में आई है सबको। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, यहां भी एक्सेलरेशन है, यहां भी एक्सेलरेशन है, दोनों एक साइड कर लेते हैं, a कॉमन लेके m + i / r स्क्वायर उससे डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास एक्सेलरेशन mg sin थीटा बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा कि नहीं। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, पक्का। i क्या होता है, m के स्क्वायर, m मास, k रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, mg sin थीटा प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस m के स्क्वायर बाय r, m m कॉमन लेके काट देते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या बना, g sin थीटा बाय 1 प्लस i बाय m r स्क्वायर। किसी को दिक्कत बच्चा, g sin थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज किए जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम के स्क्वायर डाल देता हूँ, एम से एम कटेगा तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया,
जी साइन थीटा बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देन है बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर भी होता है, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एम प्लस जो हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू आई थी, तो मैं वहां पे एम आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो एम जी साइन थीटा बाय थ्री एम बाय टू बच गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू टू बाय थ्री जी साइन थीटा। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इधर उधर से घुमा के मैनिपुलेट करे जा रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन आया टू बाई थ्री जी साइन थीटा। डन है बच्चा, ये फोर्स वन बाय थ्री एम जी साइन थीटा, यही होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास एम और ये टू बाई थ्री जी साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास, किसी को दिक्कत है इसमें? यहां पर हमारे पास टू कहां गायब है, है ना, टू गायब है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा किसके इक्वल था, आई ए स्क्वायर बाय आर के इक्वल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चा, आई ए बाय आर स्क्वायर, इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली है हमने, ठीक है। ये वैल्यू जब हमने सब्सटीट्यूट करी, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दी, सारा कट कट आके वन बाय थ्री एम जी साइन थीटा आ रहा है। तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ बाय आर, दोनों की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी यहाँ पे, तो वन बाय थ्री टेन थीटा हमारे पास कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। क्लियर है बच्चा? ये डेरिवेशन जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि इस बार सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर में भी डाइसी था, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर थ्रेटिकली पूरा खत्म हो जाता है, सारी डेरिवेशंस खत्म, सारा कंसेप्ट खत्म थ्रेटिकली। इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे।